Good morning, students. So let's revise algebra. 9.3 we did yesterday, and I told you to do yourself. 9.3, 9.4. Yes, 9.4. So 9.4 questions we revised beta yesterday, and I hope you have revised it. Sure. Ek ek try kiya tha, very good. Jinhone kiya tha beta, that is very good. Very good on their part. Apne liye padhna hai. Ultimately to aapko knowledge mil rahi hai, jo aapke saath hi carry forward hogi. Any doubt? Any doubt to anyone in any question, any part of 9.4? Revise kiya? Kal to karwaya? Kal karwaya beta, detail mein you can see the recorded lecture. Ab to humare paas recorded lecture bhi hai. YouTube school, YouTube channel pe na beta suno. Kal ki date bharoge? 19 अगस्त मैथ्स 8 है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिटेल में किया, वहां देख लो. बात एक ही है, अब बोलूंगी या वहां पे बोला हुआ है, आगे वीडियो पॉज करके स्क्रॉल करके जहां पर ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वहां से देख लो. कल डिटेल में किया. चलिए नाउ बेटा, वी विल स्टार्ट डूइंग द रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 9.5. 9.5 से पहले वी हैव सर्टेन आइडेंटिटीज विच वी नीड टू रिवाइज, बिकॉज बेसिस ऑन दैट वी हैव टू डू द क्वेश्चन. सो लेट्स रिवाइज द आइडेंटिटीज. फर्स्ट आइडेंटिटी इज बच्चे a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a. देन वी हैव a minus b whole square, a square plus b square then a square minus b square, a minus b into a plus b, and next one is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b x plus a b. ये identities हैं. Question आएगा, आपने देखना है कौन सी identity लगनी है. And then you will apply that identity and you will solve the question. And from your class beta, so many notebooks defaulted are there. जिसने एक बार भी नोटबुक मुझे नहीं भेजी है, अक्षिता, एंजल, अनवे, भाविका, गुरनूर कौर, हार्दिक, हरमन, हर सहज, जयवंत, जानवी, जसलीन, खुशी, कुणाल, मनन, परमजीत कौर, पार्थ, पुलकित, पुण्य, राघव गाबा, श्रिया, स्वरित, तनुष्का, वरुण. ये वो बच्चे हैं जिनका एक भी टिक मैंने नहीं लगाया है.
इफ योर नोटबुक एनी चैप्टर इज चेक्ड बेटा लेट मी नो, ठीक है? हाँ जी कोई बात है, मुझे मैसेज कर देना, चेक्ड पीडीएफ भेज देना। अगर डिलीट है बाय चांस, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, तो मुझे बता देना, ठीक है? यू सेंड मी द चेक्ड पीडीएफ कि पहले चेक की हो, बाय चांस टिक करना रह गया हो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिस दैट वेदर योर नोटबुक इज चेक्ड और नॉट, यू जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है? एंड बाकी के बच्चे जिनके चैप्टर्स चेक नहीं है, कुछ चेक है कुछ नहीं है, दे ऑल्सो सेंड मी द नोट। फाइन, सो दीज वर द आइडेंटिटीज बेटा, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज। Start doing, then I will discuss. हाँ जी अंडे। Yes ma'am, मैं मैंने यही बोला था कि मैंने आपको 25 जुलाई को एक बार की कॉपी भेजी हुई है। भेजी हुई है ना बेटा अंडे, वो चेक हो गए, आपको रिप्लाई कर दी होगी, वापस भेज दी है मैंने। नहीं मैम, असल में उससे बाद ही मैंने एक डाउट पूछा था, हमने उसका आंसर रख दिया था, तो उसके चक्कर में वो रह गई पिछली बार। ओ बाय चांस ऐसे, एक मिनट रुको, मे बी ऐसे हुआ हो कि आपका वो डिलीट हो गया हो, आप वापस दोबारा भेज दो। ओके मैम। एक आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का भी डाउट था ना, डेसिमल वाले क्वेश्चन का। यस मैम, वो भी जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स सब रिवाइज करेंगे ना तब पूछना। ओके मैम, ठीक है बेटा, मुझे याद था बट मैंने सोचा जब रिवाइज करवाएंगे तभी डिस्कस करूंगी। ओके मैम, तो आप अपनी नोटबुक दोबारा भेज दो। So, start doing, hurry up. How to do this using identity? Otherwise, we can see it is a product of a binomial with a binomial. But you have to solve using identity. This is 2y plus 5. इसको कैसे लिख सकते हैं? 2y plus 5 whole square. Now we can apply the identity of a plus b whole square. Hurry up. Try to solve it, then I will discuss. ये दो फर्स्ट टू क्वेश्चंस करो, पहला हो गया दूसरा भी करो जल्दी बेटा। देखो बोर्ड पे जिनको आता है वो फटाफट से कर लिया होगा उन्होंने, जिनको नहीं आता बेटा डोंट रिमेंबर, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। सो आई टोल्ड यू 2y plus 5 बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, so we can write it as 2y plus 5 whole square. इधर देखो, अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a plus b whole square, जिसमें a क्या है 2y, b क्या है 5. what is this identity? a square plus b square plus 2ab.
इसको कैसे लिखोगे, 2y + 5 whole square को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अब जब आपने a स्क्वायर करना है तो आपका a क्या है, 2y, तो आपने क्या करना है, 2y, दो नंबर है इसमें, 2 multiply by y, तो होल स्क्वायर करना है। यू पीपल राइट लाइक दिस, 2y² + 5² यही पे सर्कल होता है और नंबर कटता है। मेरी बात समझ में आ गई, जो a है वो कितना है, 2y, तो a स्क्वायर जब करना है तो होल स्क्वायर लगाना है, a² + b² = 5² + 2ab, 2 × 2y ×, I hope it is clear, yes, 2 का स्क्वायर 4, 4y² + 25 + 25, ठीक है। इसी तरह से बेटा यहां पर अब क्या है, माइनस 3a - 1/2, इसको लिख सकती हैं 3a - 1/2 whole square। ये अब कौन सी आइडेंटिटी बनी, विच इज a² नाउ व्हाट इज योर a हेयर एंड b, नॉट माइनस 1/2, b इज ओनली 1/2, नॉट माइनस 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, a² means 3a whole square, आदत डाल लो बोलने की, होल स्क्वायर, a² + b² - 2 × a, a की जगह क्या है 3a × b, b की जगह क्या है, नाउ 3 का स्क्वायर 9a² = 1/4 - 3a, आंसर। ठीक है, आया सबका ये आंसर, एनी डाउट? करवाती हूँ, जो लिखी है वो कर ले पहले, वो भी करवाती हूँ। देखो ये तो सीधा है, वेरी इजी, a - b a + b, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a - b × a + b, बताओ, a - b × a + b का आइडेंटिटी क्या है, बोलो आप, इधर देखो थर्ड आइडेंटिटी a - b a + b, जिसमें ब्रैकेट में एक माइनस है एक प्लस है, a² - b² so it will be a² means 6x² - b² means 7² so answer is 36x² - 49।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, इन बोथ द ब्रैकेट यू कैन सी ए इज नेगेटिव सी इज पॉजिटिव, ए इज नेगेटिव सी इज पॉजिटिव, कैन आई राइट लाइक दिस सी माइनस ए? नो, सी पॉजिटिव है पहले लिख दिया, ए नेगेटिव है बाद में लिख दिया, कुछ नहीं चेंज किया। माइनस टू प्लस फोर को मैं लिख सकती हूँ, फोर माइनस टू, यस और नो? एक ही बात है, वी हैव जस्ट चेंज इट्स पोजीशन। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं सी माइनस ए, ये क्या बन गया सी माइनस ए होल स्क्वायर, जो क्या कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए पी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, आंसर वेरी सिंपल। ऐसे ही ये वाला है बेटे, दोनों में नेगेटिव है, तो सेवन ए माइनस नाइन बी होल स्क्वायर। Why I have taken this question? आपको ये बताने के लिए कि जब ये फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जब आपने ए का स्क्वायर करना है तो सेवन ए होल स्क्वायर करना है प्लस बी का स्क्वायर करना है। एक बात तो जब माइनस है तो बी नेगेटिव नहीं लेना, साइन छोड़कर बी सिर्फ नंबर है, और अगर ऐसे नाइन बी है तो नाइन बी का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सेवन ए इंटू नाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। अब सॉल्व करेंगे, फोर्टी नाइन ए स्क्वायर प्लस एटी वन बी स्क्वायर आंसर। रिवाइज नाइन, रिवाइज क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री ऑफ 9.5। आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन बैठ के खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ क्लास में दो चार, वन टू थ्री ऑफ एक्सरसाइज 9.5, अगर सोचोगे ऐसे दो चार क्वेश्चन करके अलजेब्रा सीख लोगे, नहीं पॉसिबल। ये देखो, ये वाला सम देख लो बेटा, आप आपने पूछा ही था, ये सेम है। हेलो, इधर देखो बेटा, पहले दोनों ब्रैकेट सेम है, पॉजिटिव साइन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाय टू प्लस थ्री वाई बाय फोर होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? स्क्वायर माइनस कहां से आया? एक मिनट, देख के बोलो, देख के बोलो, कंफ्यूजन किस बात की है? ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ। हाँ, क्या डाउट, किस चीज में डाउट है? क्या आवाज क्यों ऐसे लड़खड़ा रही? वाई शेकिंग? सिंपल है बात, ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, इसकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। फाइन, बताओ दोबारा, बोलो फॉर्मूला। टू ए रट्टे लगा लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक एक्स वाला. नाउ व्हाट इज ए हेयर, बेटा इधर देखो बोर्ड पे, एक्स बाय टू होल स्क्वायर प्लस बी क्या है थ्री बाय बाय फोर होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए. बस आइडेंटिटी लगानी और क्या. अब देखो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर फोर का स्क्वायर ये टू टू से कैंसिल प्लस थ्री एक्स वाई आंसर. दैट्स इट. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर वन में वही आपके पास है, किसी में a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, किसी में a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है. ठीक है, कितने सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, रिवाइज दी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. यस प्रबल मैम, इसको आगे मैम इसी सम को मैम आगे सॉल्व नहीं करेंगे एलसीएम लेके? नहीं ओके बिल्कुल नहीं. नाउ बेटा अब आपके पास नेक्स्ट है जिसमें आप देखोगे बाइनोमियल विद बाइनोमियल है जिसमें फर्स्ट टर्म सेम है. एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सेवन यू हैव टू सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी. हमारे पास आइडेंटिटी है नो बेटा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. जिसमें फर्स्ट टर्म सेम होती है सेकंड टर्म डिफरेंट. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो बहुत सिंपल है, थ्री ए प्लस बी. ए क्या है थ्री, बी क्या है सेवन. अगर आपने क्लासेस लगाई हो तो आपको याद हो मैंने एक एक सम करवाया ये, एंड वेरी स्लोली थ्री प्लस सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू सेवन इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन. Now do this question. कैसे करेंगे? Now again you can see that in both the bracket the first term is same and second term is different. But we have the identity of जिसमें plus है. यहां पर जो identity है उसमें क्या है, क्या करें इस question में plus बनाएंगे. कैसे? माइनस को ब्रैकेट में लिख के फोर एक्स प्लस माइनस फाइव, फोर एक्स प्लस माइनस. बोर्ड पे देखो बेटा समझो. आपने पहले नोट नहीं किए हुए? आपने नोट किए हुए जब मैंने पहले करवाए थे कॉपी में तब नोट किए थे, फिर क्यों लिख रहे हो?
अगर आपने पहले ये सारे सम्स नोट किए हुए हैं बेटा, तो रिवीजन का मतलब होता है कि जब मैं आपको बोलूं करने को तब आप खुद करो, और जब मैं समझा रही हूं तो दोबारा से मुझे सुनो और समझो, ना कि लिखो। जब हम लिखते हैं तो हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है और हम समझ नहीं पाते उतना, ये नेचुरल है। अगर हमारा कोई टीचर बोल रहा है, ठीक है, अगर हम सिर्फ सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आता है, अगर हम साथ साथ में लिखते भी हैं तो फिर हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है, क्योंकि हमारा फोकस ब्रेन हमारा लिखने की तरफ भी है। इसीलिए जब पहले भी करवाते हैं तब आपको बोलते हैं पहले समझ लो, फिर आपको टाइम देते हैं लिखने का। अब आपने ये सब पहले लिखा हुआ है, व्हाई आर यू राइटिंग अगेन एंड वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम? अब समझो क्या करना क्या होता है इन सम्स में। हमारे पास फॉर्मूला पॉजिटिव वाला है, सम में नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव साइन को अंदर ले गए, बाहर बन गया पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब हमारा एक्स यहाँ पर क्या है, 4x, ए क्या है -5 और बी क्या है -1। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम आइडेंटिटी, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो एक्स स्क्वायर मीन्स 4x होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी -5। अगर दूसरा वाला भी नेगेटिव है तो चुप करके दोनों नेगेटिव लिख दो। -5 -1 साथ में क्या है x, एंड व्हाट इज अवर x हियर इनटू प्लस ए बी -5 -1 ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स सॉल्व, 16x square plus क्या आएगा, -5 -1 is positive negative, negative क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। -5 -1 when both the numbers are negative and there is no multiply sign in between, तो प्लस करते हैं दोनों नंबर्स को, 5 प्लस 1 6, साथ में साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट आ गई ना, 6 नहीं आएगा, 5 वंस आर 5 पॉजिटिव 5 बिकॉज दिस माइनस माइनस बिकम प्लस। सो अल्टीमेटली 16x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, 6 4 24x + 5 आंसर। एनी डाउट? के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सारे सारे पार्ट्स करोगे आप, ठीक है, सेम है, यही आइडेंटिटीज लगनी है। तो जस्ट गिव अ ट्राई इन अवर नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चंस किए होंगे तो इसमें से कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, अगर सॉल्व करोगे तो डाउट निकलेगा, सॉल्व नहीं करोगे तो सब क्लियर ही क्लियर है, ठीक है। सो डू द प्रैक्टिस, राइट, टेक केयर।